ये वॉशिंग मशीन भावना आंटी को देख रहा हूँ। हाँ, और वो इलेक्ट्रिक बोर्ड भी उखाड़ के दे के आता हूँ पापा, वरना वो वॉशिंग मशीन चालू कैसे करेंगे। एक काम करो ना, वो दीवार भी उखाड़ कर दे दो ना, इलेक्ट्रिक बोर्ड लगाएंगे कहाँ। नहीं, क्या कर रहे हो बेटा, इलेक्ट्रिक बोर्ड और ये दीवार उनके पास है, वॉशिंग मशीन नहीं। जाओ। हाँ, और वो बर्तन कड़ची ओझा अंकल को देखे। ओझा अंकल ने तो खाली पतीले भी मांगे ना। अरे ये तो कुछ नहीं, ओझा अंकल ने तो ये बाथरूम की स्टील की जाली भी मंगवाई। लॉजिकली वो स्टील की जाली का करेंगे क्या। उन्होंने कहा कि अरे घोटाला भाई, इस पर मैं बेसन घिस के बूंदी बनाऊंगा। अच्छा, ये तो कुछ नहीं है, हमारी जो बैरवी है वो ओझा अंकल से भी बड़ी आइटम। क्यों? उसने हमारा ये टूटा हुआ थर्मामीटर मांगा है। टूटा हुआ थर्मामीटर? हाँ, क्यों? उसने कहा कि तो बाका बुखार नापूंगी आधे थर्मामीटर से। अरे मैंने यही पूछा, आधे थर्मामीटर से? तो बोली हाँ, टूटा हुआ है ना तो दो बार नापूंगी, तो पूरा बुखार पता चल जाएगा। तो बराबर। हेलो, हाँ लीजा, आ रही हूँ। हाँ, अभी आ रही हूँ। तुझे कुछ घर से चाहिए? मुरब्बा, चुंदा, चटनी? अब भले, हाँ, अभी आ रही हूँ। हाँ, हाल हाल चकुड़ी। हाँ ये तो, ये क्या है? क्या बा, आपको ये भी नहीं पता ये सीडी है? थैंक यू, हाँ, मेरा ज्ञान बढ़ाने के लिए थैंक यू। पर ये लेके तू जा कहाँ रही है? बा, वो रानी भैया लीजा भाभी के घर पे घोटाला परिवार के लिए फेयरवेल पार्टी रखी है ना। तो तू क्या ऐसे बालकनी में चढ़ के घर में घुसने वाली है? नहीं नहीं, मैं ये सीडी लेके मेन डोर से जाऊंगी। क्यों क्यों बा, आप भूल गई, आप ही ने तो कहा था कि चकुड़ी उनके घर पे पार्टी में सिर्फ अंग्रेजी म्यूजिक चलाते हैं। तो बेटा तू अपनी सीडी ले लेना उनके म्यूजिक सिस्टम का म्यूजिक बदलने के लिए। ए चक्रमादित्य, मेरे कहने का मतलब था अपनी म्यूजिक की सीडी ले लेना उनके म्यूजिक सिस्टम का संगीत बदलने के लिए। फिर से वही गलती बा, बाद में मतलब समझाने का क्या मतलब, हम का आपको फिर से सॉरी बोलना पड़ता है बार बार लगातार। अब मैं सॉरी नहीं बोलूंगी, एक झापड़ मारूंगी तेरे दिमाग को। अरे मेरे कहने का तो कुछ भी मतलब हो, पर तुझे इतना तो सोचना चाहिए कि ये सीडी का उनके म्यूजिक सिस्टम से क्या संबंध। क्यों बा, उनका म्यूजिक सिस्टम दीवार पे ऐसे लगा है ना शेल्फ पे, तो वो अगर म्यूजिक बंद करना हो तो ये सीडी पे चढ़ के म्यूजिक सिस्टम बंद कर सकते हैं ना, तो संबंध तो है ना बा। हाँ मोटी बहन, फिर भी बराबर बोल रही है, संबंध तो है। हाँ, संबंध तो है। इससे मेरा संबंध है, वरना इससे तो ना कब की मैं चकुड़ी। एक काम कर, ये सीढ़ी रख रख दे। हाँ, अब हाल इला तू आ रही है? ना ना मोटी बहन, मुझे वो मिस्टर ओबामा का फोन आने वाला है ना, उनको मेरे ढोकले की रेसिपी चाहिए इसलिए। ओबामा, वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री? यूएसए के प्रेसिडेंट। अच्छा, कब हुआ उनका ट्रांसफर? मुझे क्या लगता है ओबामा भाई कोई बैंक के मैनेजर है जो उनकी ट्रांसफर हो जाएगी? हाँ, तू उनको अपने ढोकले की रेसिपी दे देना और हमारी तरफ से जय श्री कृष्ण भी कह देना। एक मिनट बा, इला मासी आप ओबामा को जानती है? ना ना अवे, उतना खास नहीं। वो क्या है ना, मिस्टर ओबामा को मेरे हाथ के बनाए हुए थेपले बहुत पसंद आए, फिर उन्होंने मेरा नंबर ढूंढ के मुझे फोन किया थैंक यू बोलने के लिए। फिर मैंने उनको वेलकम बोला, वो नाराज हो गए।
फिर मैंने उनसे गुजराती में बात की। मैंने बोला क्यों मिस्टर ओबामा भाई, थैंक यू थैंक यू, थेपला भाव्या तो भाव्या। कोई नहीं है। बसंत पापा, बसंत जाने का मन नहीं कर रहा है। बसंत हम कह देते ना हाई कमांड को कि हम नहीं आ रहे, 333 को भी यही बुला लेते हैं। हाँ पापा, और आप ही ने कहा है ना कि हाई कमांड की हर बात मानना जरूरी नहीं होती। हाँ। मैं अभी जाके उनको बोल के आता हूँ। शरद काम करो, वहां जाके खड़े रहो लेकिन दरवाजा मत खोलो। जाओ 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 हेमंत, चलो 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 चलो। भैया खोलो। शरद रुको, खोलो। मैजिका में पानी में गिर जाती इसलिए नहीं पहना। शरद कम इन, वेलकम, अंदर आओ, कुछ बोलो। है ना, कम इन प्लीज। हाँ बैठो। हालांकि घर की हालत बैठने लायक है नहीं। इट्स ओके मिस्टर घोटाला, मैं बस आपसे ये कहने आई थी कि हमने आप सबके लिए एक छोटी सी फेयरवेल पार्टी रखी है घर पे। सोचा कि आप पूरी कॉलोनी को एक ही जगह ठीक से गुड बाय बोल पाए। साढ़े आठ बजे हमारे घर पे फेयरवेल पार्टी तो पता है, लेकिन अगर और कोई स्पेशल रिवाज हो तो अभी बता दो। क्या जाने से पहले घूमने की नौबत ना आए हमारा? नहीं मिस्टर घोटाला, अलविदा कहने का कोई रिवाज नहीं होता है। हालांकि हम सब छोटी छोटी स्पीचेस देने वाले हैं, अगर आप चाहे तो जवाब में आप भी छोटी सी स्पीच दे देना। और पता है कल आप सब ये कॉलोनी छोड़कर चले जाएंगे, ये बात आई डोंट बिलीव दिस। आई जस्ट डोंट बिलीव दिस। है ना दीदी?
आपकी बांधी हुई राखी, जब मैं यहां रहूंगा ही नहीं। अरे कहाँ रह गया मेन घोटाला? उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखा, वो लोग डायरेक्टली वो सूर्यनगर तो नहीं निकल गया? ये घोटाला अब तक क्यों नहीं आया मैन? चलो चलो, फेयरवेल पार्टी के लिए सब लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा सुनो, कल सुबह कॉलोनी वालों को अलविदा करके यहाँ से कैसे जाना है ये सबको पता है ना? ओ नहीं, देखो बेटा, कॉलोनी वालों के लिए हम इस दरवाजे से ऐसे बाहर जाएंगे, सबके गले मिलेंगे, सबको टाटा बाय बाय करेंगे, थोड़े आंसू बहाएंगे और फिर घूमकर खिड़की से दोबारा अंदर आएंगे, अपनी स्पेसशिप में बैठेंगे और अपने ग्रह चले जाएंगे। सोच रहे? सोचो सोचो। क्या हुआ बेटा? लेकिन पापा, हम अगर दरवाजे से बाहर निकलकर फिर से खिड़की से अंदर आएंगे तो कॉलोनी वालों को अजीब नहीं लगेगा? बेटा तुझे क्या लगा, हम इस दरवाजे से ऐसे बाहर जाकर ये जो खिड़की है उस खिड़की से सबके सामने ऐसे अंदर आएंगे? नहीं बेटा, हम है ना इस दरवाजे से बाहर जाएंगे, फिर ऐसे घूम के मैं उस खिड़की से अंदर आना है। समझ गए बेटा? क्यों इस्तेमाल कर रहे हो अपना दिमाग? कोई बात नहीं, बच्चा है, जाने दीजिए ना। हाँ बच्चा ही, मैं कहा नहीं बोलूं, बच्चा मैं हूँ ना, मैं इस्तेमाल करूँ। हाँ चलो, चलो वहाँ सब इंतजार कर रहे होंगे। चलो हाँ चलो चलो चलो। अरे क्या वहाँ? लेकिन पापा दरवाजे से नहीं जाना है ना, वहाँ से तो कल कॉलोनी वालों के सामने से जाना है ना। सुन बच्चा, बच्चे अभी जाना है, वहाँ पर लोग इंतजार कर रहे होंगे ना, ले जा उसको, चल 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 आ जा। हेमान पीछे रहेगा ना, अभी एक लाइन में खड़ा रहेगा, आओ बैठो आपके लिए सब। देखा नहीं, मेरी गलती, मेरी बैठ। क्या कर रहा बेटा? हो गया? हाँ हाँ ओके। अभी सुनो, ये पार्टी तुम्हारे जाने का मान में है और ये फेयरवेल पार्टी का एक थीम है और वो थीम का नाम है कुदी नाम रखा और कुदी अटका मैन। वो भीम अपने भाई को क्या कह के बुलाता है एवरी टाइम? सोन हरी, सोन हरी, हरी सोन, सोन हरी। हाँ हाँ, ये फेयरवेल पार्टी का थीम है सुन हरी यादें। करण सिंह, पुलिस को बुलाओ, अरेस्ट दिस मैन। आंटी भावना मैन, सुनहरी का सुनहरी। अब ये लोग समझा मैन, समझा ना? हाँ हाँ हाँ। तो हम सब आपके साथ जुड़ी हुई कुछ खट्टी मीठी यादें दोहराएंगे। जो हमारे दिलों में सुनहरे अक्षरों में लिखी जा चुकी है। मिस्टर घोटाला, बाद में अगर आप पांचों चाहो तो जवाब में अपने ख्याल पेश कर सकते हैं।
आप लोग समझे ना, या फिर घूमना है? नहीं नहीं नहीं, आ गया आ गया, तो आ गया आ गया। अरे बोलो मैं। सबसे पहले मैं सनशाइन कॉलोनी की शान मुरलीधर ओझा अपनी सुनहरी यादें दोहराना चाहूंगा। दोहरा पाया तो नहीं तो वाला तेरा जोन है अंकल ओझा क्या करता है मैन स्पीच देने का है। अरे मैं तो घोटालों के साथ बिताई हुई अपनी सुनहरी यादों का स्वाद ले रहा हूँ। ये सुनहरी यादें है या नींबू का अचार काका मुरली? अंकल ओझा स्पीच दो मैन। मुझे याद है जब हेमंत खो गया था। ये है आपकी सुनहरी याद? नहीं नहीं घोटाला, वो क्या है, वो जब हेमंत खो गया था तो आप लोग बहुत परेशान थे और हम लोग आपका दुख कम करने आए थे, लेकिन देखो भगवान जी के प्रताप से चींटी हाथी होए, बच जाए हर तूफान से बाल न बांका होए। सॉरी सॉरी क्या बोल रहे हैं? बहुत जल्द हम इन पे बैन लगाने वाले हैं कॉलोनी में। ऐसे समय पे हम लोग दांत निकाल के हंस पड़े थे जबकि वो दुख की घड़ी थी। मेरी याद आपसे थोड़ी अलग है मुरली भाई। इन्होंने खुशी दी पर मेरी आंख भर आई। याद है आप सबको गणेश चतुर्थी के समय पर हम सबकी फाइटिंग हो गई थी आपस में? तुमने संसार को एक सुंदर संदेश दिया। माता पिता को जो अपना संसार समझकर उनका सम्मान और सेवा करते हैं वही आदर्श पुत्र कहलाते हैं। क्यों देवी पार्वती? हाँ पुत्र गणेश, माता पिता तो अनेक रूप में मिलते हैं, कभी जन्मदाता, कभी मित्र, तो कभी पड़ोसी। मुरली भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ सॉरी, पहले मैं बोलू को, मैं बड़ो हूं ना। हाँ आंटी भावना, और हम सबको मिलवाने वाले भी घोटाला जी थे। मेरे लिए सबसे सुनहरी यादें हैं उनका इनोसेंस, उनका घोटालापन। पूरा कॉलोनी जानता है कि हम सबसे बेस्ट डांसर है, लेकिन हमारी एनिवर्सरी पे घोटालाज ने रॉनी भैया और लीजा भाभी के साथ कौन डांस कंपटीशन करेगा? हम कंपटीशन दे राबड़ी के मारे को भी दाता से खाओ। हम लोग क्या सोच रहे थे कि रोनी भाई और लीजा भाभी को कितना बुरा लगा होगा कि उन्हें कोई कंपटीशन नहीं दे रहा है, तो हम घोटाला चैलेंज एक्सेप्टेड। ए या 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 या, एक्चुअली तुम लोग बहुत अच्छा डांस किया। तुम्हारा एक्टिंग बहुत खराब था। ए, नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि हम लोग, याद है रक्षाबंधन का दिन हम लोग को वो छोटा छोटा नाटक करने को था, राइट? वो मेरा सुनहरा याद है। शांत हो जाओ दरिया भाऊ, शांत हो जाओ। शांति है, कुछ बोल ही नहीं रहे हो। तो फिर आंधी तूफान मचाओ ना। लीजा कंट्रोल। तो फिर आंधी तूफान मचाओ ना। तुम आंधी तूफान नहीं मचाएंगा तो मैं कैसा बोलेंगा शांत हो जाओ। दरिया उल्टा नहीं हो सकता है। आंधी भावना देखो ना, ये दरिया हिल ही नहीं रहा है।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.